सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल भाई लोगों? भाई लोगों, रात को पहुंचे थे इस होटल में। हॉस्टल नहीं, आज होटल बोलेंगे। वैसे तो ये रूटीन में तो यहाँ पे 100 लीरा का मतलब 1300 रुपये का होटल है, पर उन्होंने मुझे सिर्फ 600 रुपये में दे दिया। एक्चुअली ये 3 स्टार होटल है कोई। और दूसरी क्या है कि रमजान का महीना शुरू हो गया भाई लोगों, कि कल जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो रास्ते में कहीं भी कोई रेस्टोरेंट और दुकानें खुली नहीं है। दिन में यहाँ पे अब बिल्कुल बंद रहेगा, सुनसान रहेगा पूरा का पूरा रास्ता। तो अगर आप रमजान में किसी भी मुस्लिम कंट्री में, आप मतलब नॉन मुस्लिम है और किसी भी मुस्लिम कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो अवॉइड करिए इस दौरान। आज हमें 100 किलोमीटर पहुँचना है और हम पामू के लिए पहुँच जाएंगे आज। सब चीज़ रेडी है और ये होटल था जिसमें मैं रुका था रात को, और बर्फ़ अभी भी पड़ी दिखाई दे रही है कहीं कहीं आपको। चल मेरी दन्नो। तुर्की के गांव हैं। अब देखिए गांव में 20-50 घर होंगे और ये किसी किसान का घर है। देखिए ट्रैक्टर खड़ा है, सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं और ये मकान है बीच में। एक गाड़ी खड़ी रहती है इनके घर में, खेती के सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। और ये गाय पाल रखी हैं। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा हाइट पे है इसलिए ये जो छतें हैं ऐसी बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी होती रहती है। अभी भी इसके दूर दूर देखोगे पहाड़ों पे कहीं कहीं बर्फ़ दिखाई दे रही है आपको। आपको तो नहीं दिखाई दे रही होगी, मुझको ही दिखाई दे रही है। तो रियली अमेजिंग यार, मुझे तो टर्की के गांव सच में बहुत पसंद आए। भीड़ नहीं है, एक सच्ची बात है, और एक एक मकान अलग अलग जैसे फार्म हाउस टाइप से बने हुए हैं। ऐसा ही है, मैंने एक गाँव में नहीं, लगभग सारे गाँव ही ऐसे हैं। ये फवारे के लिए पाइपें हैं, पाइपों को लेके जा रहा है। ओवरऑल अगर मुझे कोई कहे कि टर्की के गांव कैसे हैं तो टर्की के गांव बेस्ट है। आज तो वाट लगी हुई है भाई लोगों, इधर ही जाना है और इधर से हवा आ रही है, और हवा की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मौसम बड़ा प्यारा है यार, बट ठंड है थोड़ी थोड़ी, पर मज़ा आ रहा है खेती करते हुए। माता अकेली लगी हुई है तो ये हमारा रास्ता बिल्कुल नहीं सस्ता। चलो मैं शायर ही बन जाता हूँ। ये हमारा रास्ता बिल्कुल नहीं सस्ता। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है सामने और ये स्क्रीन स्पीड बताती है कितनी स्पीड से गाड़ी गई है, मेरी नहीं बताएगी। मैंने सोच रहा हूँ मेरी भी बता दे यार, बता दे भाई। हट गंदा बच्चा, नहीं बताया। मुझे ये अच्छी लगी यार इस देश में बात, नेशनल फ्लैग को बड़ी अहमियत देते हैं। हर शहर में, हर गांव में नेशनल फ्लैग लगा हुआ मिलेगा आपको, और वो भी बड़ा सारा, छोटा सा नहीं। अगर हम घर घर पे ऐसा लगाएं और पार्टियों के झंडे छोड़ के देश का झंडा लगाएं तो कितना अच्छा होता। पहाड़ों की गोद में बसे हुए गांव देखो कितने प्यारे लगते हैं। देखो चारों तरफ पहाड़ है और बीच में छोटे छोटे 3 गाँव हैं। इधर अभी बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, बर्फ़ पड़ी है पहाड़ों पर अभी भी। टर्की में आपको बहुत सारी वैली मिल जाएंगी, चारों तरफ पहाड़ और बीच में खेती की जगह। ग्रीनरी तो इतनी है, अभी तो शुरुआत है, अभी बर्फ़ पिघली है, खेती शुरू हुई है, तो अगले 20 दिन में सब हरे हरे हो जाएंगे। ये जितने पहाड़ दिख रही हैं सब हरे हरे हो जाएंगे। अगर मेरे सामने की हवा ना होती ना तो मैं और भी ज़्यादा मज़े लेता, अब सामने की हवा में मेरी लग जाती है। ए हवा 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 मेरा पीछा छोड़ दे, आगे से मत आ पीछे से आ जा।
क्या मजा है, क्या व्यू है, क्या रोड है, क्या शहर है, क्या ट्रक है क्या ट्रक है, ट्रक 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 गड्डी जांदी है छलंगा मार दी। 4 बज गए हैं यार, और ये सामने देख रहे हो रेड रेड लब लबी बोलते हैं भुने हुए चने को। एक बार पहले भी मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ, किसी वीडियो में जाके देखना भाई। और ये जितनी भी वहाँ से लेके और यहाँ तक ये लब लबी बनाने की वो है मशीनें लगी हुई, फैक्ट्री है, ज़्यादा नहीं तो 500-700 फैक्ट्रीज है छोटी 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 छोटी, जहाँ पे चने को भुना जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कलर दिए जाते हैं, गोली मीठी गोली की तरह बना दिया जाता है। और हमारा अभी पामुकले अभी भी 40 किलोमीटर रहता है और शाम के 4 बज चुके हैं, तो देखते हैं कैसे पहुंचेगा बाबा। पहुंच जाएगा रे, गड्डी जांदी है छलंगा मार दी, सानू याद आवे साडे यार दी। क्या किया जाए यार, बारिश शुरू हो गई है और चढ़ाई चढ़ा रहे हैं, नीचे भी उतार दो यार। गुड इवनिंग। देखो अभी हम 25 या 26 किलोमीटर दूर हैं ये देखिए, और वहाँ मैंने धनों को खड़े किए हैं जहाँ वॉशिंग वाली जगह पे है, तो कुछ मार्केट से ले लिया जाए, कुछ खा लिया जाए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये दो भाई हैं, अंताल्या जाना था इनको, और 1 घंटे से हिचहाइकिंग के लिए हाथ कर रहे थे बेचारे। 1 घंटा हो गया यार मुझे देखते हुए उनको, आखिरी में उसको ट्रक जगह मिल गई है। उन दो लड़के थे दोनों को हिचहाइकिंग की ट्राई कर रहे थे पिछले 1 घंटे से, क्योंकि मैं 1 घंटे से यहीं बैठा हूँ बारिश में, मैं तो देख रहा हूँ, और वो वहाँ पर बारिश में भीग रहे थे और खड़े थे वहाँ पर आराम से। तो दीपांशु भाई मुझे लग रहा है साइकिलिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट है हिचहाइकिंग, किसी से मांगना थोड़ा सा यार मुश्किल तो रहता ही यार, अगले पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, रोके ना रोके वो उनकी मर्जी होती है, बट है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट यार, मानना पड़ेगा आप लोगों की हिम्मत को। मौसम हो गया थोड़ा सा साफ और टाइम हो गया 6:25। क्या व्यू है यार, बादल देखो बिल्कुल नीचे नीचे घूम रहे हैं, कैमरा थोड़ा हिल रहा है क्योंकि मुझे लग रही है सर्दी, बारिश के बाद सर्दी हो गई है यार अचानक। गुड मॉर्निंग भाई लोगों, कल यार रात को यहाँ पे आ गए थे, रात को 11 बजे पहुँचा हूँ मैं, बारिश में रुकना पड़ गया था और गोप्रो अपना हो गया था बंद, तो कपड़े कुपड़े सुखा लिए हैं, अब हम चल रहे हैं पामुकले। पामुकले यहाँ से 15 किलोमीटर रहता है, लेट्स मूव चलें। पामुकले के पास में 3 जो हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो हम जाएंगे अब लाओदिकिया। हम पहुँच गए भाई पहाड़ के ऊपर, और लाओदिकिया जगह है, इस पे इसका टिकट है 15 लीरा का। और आप अगर सारे म्यूजियम्स की बात करना चाहते हो पूरे टर्की में 15 दिन ट्रैवल करना है, तो 315 लीरा में सारे जितने भी टर्की में म्यूजियम है उसको 315 लीरा में आपको पास मिलेगा, और अगर 7 दिन के लिए ट्रैवल करना चाहते हो तो 185 लीरा का आपको पास मिलेगा, और अलग अलग लेना चाहते हो तो वो आप अलग अलग ले सकते हो। तो अब हम पहुंच गए भाई लोगों टॉप ऑफ लाओदिकिया, और ये शहर है, मुझे तो ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे पर्सियापोलिस था ना, उस जैसा देखने को लग रहा है, बट हाँ पढ़ लीजिए, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर, पामुकले यूनिवर्सिटी, एवैकुलेशन ऑफ लाओदिकिया। यहाँ पे बहुत सारे भूकंप आए हैं यार, पहला भूकंप जो आया था वो BC में आया था 27 BC को, उसके बाद एक सन 138 में आया, फिर सन 284 में आया, और फिर सन 600 में आया, तो इसकी वजह से बहुत सारे भूकंपों की वजह से इसका को तहस नहस कर दिया गया भाई। ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, इतना ज़्यादा मैं भी पढ़ने वाला मशीन नहीं हूँ। तापी नाका टेम्पल है और एक चर्च है,
सीरिया स्ट्रीट है। वही पिलर खड़े हैं। मुझे ज्यादा लगता है कि पर्शिया पोलिस ज्यादा डेवलप था यहाँ से कई कंपैरिजन में। ये रोमन अंपायर से पहले की बिल्डिंग्स हैं। कुछ छाया चित्र भी ले आएंगे। ये क्या है भाई? अच्छा वही घोड़े इसके अलावा एक म्यूजियम भी बना रखा है इन्होंने। अगर आप म्यूजियम में जाना चाहते हो तो आपको 55 लीरा एक्स्ट्रा देने पड़ते। ओके, शहर का सेंटर आ गया ये। इसको खुदाई करके ना नीचे जो ओरिजिनल वो था ना उसके ऊपर लिखा हुआ है सब, नीचे पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। उसको सेफ रखने के लिए ऊपर ग्लास लगा दिए गए हैं, तो नीचे पूरी खुदाई की गई है इसकी। ये जो एरिया था प्रिजर्व करने की बहुत कोशिश की है यार इन लोगों ने, बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रिजर्व करने के लिए इसको। लेकिन एक एक चीज को नीचे लकड़ लगाया, उसके ऊपर ही पत्थर को वापस रखा और इस पे कुछ लिखा हुआ भी। क्रिकेट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, रंग बदलने में माहिर है ये क्रिकेट। कितनी मेहनत कर रहे हैं ना यार ये लोग बचाने की इसके। एक अकेला इस शहर में रात में या दोपहर में आबूदाना ढूंढता है आसियाना। धन्नू वो खड़ी है, वो पामुकले रहा और ये मैं रहा और ये सैतूत रहे। तोड़ो दिखाओ ये जो पूरा एरिया है। मैंने यहाँ पे देखा अनार, आंवला, सेब, इतने फ्रूट यहाँ पे लगते हैं ना कि मजा आ जाता देख के। खाना तो दूर की बात है। अभी देखो वो पीछे अनार का बाग लगे, अनार के बाग तो बहुत ही हैं। ये सेब, आजा मेरे राजा। ये वाली डाली मस्त है। गुड इवनिंग भाई, धन्नू को खड़ा किया वहाँ पे और इनका थैंक यू थैंक्स लॉट, इनके भरोसे मैंने साइकिल को खड़ा किया। तो हम चलते हैं पामुकले। पामुकले पर सामने सफेद सफेद दिख रहा होगा।